नॉलेज एरो में आपका स्वागत है। मैस्ट्रो बाइक का मिरर्स या एक्टिव का मिरर्स ऐसा झूलता है तो आपको ड्राइविंग में बहुत दिक्कत होगी। ये झूलने का मिरर को टाइट करने के लिए कुछ स्क्रूस वगैरह नहीं रहते यहाँ पर। अब इसे नया खरीदना का तो आपको 500 रुपये लगेंगे। ये सिंगल में नहीं बेचते, ये सेट ही मोलना पड़ता है। अब इसे टाइट करने के लिए कुछ अल्टरनेटिव मेथड सूचना का तो मैं आपको एक अच्छी अल्टरनेट मेथड बताऊंगा। वो करने से आपका ये मिरर फिर से ठीक हो जाएगा। आपको करना क्या होगा कि आप एक रॉड लीजिए, ये सर्किल का एक रॉड, इसे अच्छा स्टोव पर गरम करके इधर जला दीजिए ताकि वहाँ पर एक होल बैठेगा। देखिए इस तरह एक होल बैठेगा। अब इस होल के थ्रू आप देखें तो अंदर आपको एक स्क्रू दिखेगा। वो स्क्रू 8 mm का स्क्रू है। अब आपको करना क्या होगा का तो आप एक टी बार लीजिए, 8 mm का टी बार लेके उस स्क्रू को टाइट कर दीजिए। ये 8 mm का टी बार है। इस टी बार को लेकर अंदर जो दिख रहा है ना, वो स्क्रू को टाइट कर दो। क्लॉकवाइज टाइट फिराने से वो स्क्रू टाइट हो जाएगा। ये मिरर अब झूलेगा नहीं। आपको 500 रुपया बेकार से खर्च करने का जरूरत ही नहीं। दो मिरर को सेम इस तरह ही टाइट कर दो। अब इस होल को ढांपने के लिए अगर आप टेप का इस्तेमाल करना चाहते हो तो कुछ रेड टेप या ब्लैक टेप लगा दो, वरना नहीं का तो एक स्माइली बॉल मोल के उसे कट करो। होल जितना है उतना साइज कट करके स्माइली बॉल का पीस उधर पर यूँ सेट कर दो, बस उतना ही। क्योंकि डस्ट या पानी अंदर को नहीं जाना चाहिए, इसलिए हम उस स्माइली बॉल को कट करके सेट कर दिए। अब आपका मिरर फिर से नया जैसा काम करेगा। अब आपको ड्राइविंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी डायरेक्शन चाहिए आप अपना मिरर सेट कर सकते हो। इस तरह आपका मिरर को वापस कंडीशन में सेट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल बी बैक विथ अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। बाय।